अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिन था, तो आज का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत दिन से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं बाहर आई थी देखने के लिए कि वेदर कैसा है, क्योंकि मुझे आज बाहर कुछ शॉपिंग ग्रोसरी करने के लिए जाना था पास ही शॉप्स पे। तो मैं फिर जल्दी से अंदर आई, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट मैंने बनाया अपने लिए सीरियल, और बेटी के लिए मैंने बनाया था अंडा पराठा। इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर किया, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मेरी बेटी का बहुत फेवरेट है, तो आप ये बच्चों को दे सकते हैं। तो फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने क्लीनिंग की। मैंने सोचा कि यार जाने से पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, ताकि आके थोड़ा सा आसानी हो और आके खाना वगैरह बनाना था। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने अपनी बेटी को अच्छे से कवर किया और हमने बाय वॉक जाना था। तो आप देख सकते हैं कि हम बड़ी पार्क आ गए हैं। वेदर थोड़ा सा चेंज हो चुका था। ये बड़ी पार्क लूतन में है। लूतन लाइक ऐसा सिटी है, इसको मोस्टली लोग ना मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80% मुस्लिम रहते हैं और मस्जिद वगैरह हर चीज़ है। तो अब चिकन लिया मैंने। चिकन लेने के बाद मैं गुजर रही थी तो देखा 70% ऑफ लगी थी। मैंने कहा चलो टूर कर रहे थे देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े भी थे सेल में लगे हुए थे। तो लेकिन मैंने सोचा मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। ये बंगाली शॉप थी, साड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसमें थी। तो फिर मैंने सोचा मैं आऊँगी इंशाल्लाह, मेरे हस्बैंड को मंडे को ऑफ होता है तो उनके साथ मैं आऊँगी, देखूँगी फिर। तो फिर मैं गई, तो फिर मैंने शॉप से और भी चीज़ें वगैरह बाय करनी थी। तो फिर मैं शॉप पे पहुँच गई, मैंने चीज़ें वगैरह ले ली थी। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा टूर करा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ बनी बनाई, अदरक लहसुन से पेस्ट से लेकर हर चीज़ आपको मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैक्सिमम 10 मिनट की वॉक पर मेरी शॉप्स हैं सारी मुस्लिम, क्योंकि अभी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है तो हलाल चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन लाइक हर चीज़ मिल जाती है आपको, शुक्र अल्लाह का। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारी बेकरी वगैरह, नूडल्स, पाकिस्तानी नूडल्स, बिस्किट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल होती है इजीली। तो मुझे ये नान खताई बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने सोचा इसको तो मैं लूँगी ज़रूर, तो फिर मैंने ये लिया। फिर आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी के लिए भी मैंने रस लिए, इसको बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस, फ्रोजन चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल होती है। फिर मुझे चिकन क्यूब लेने थे, चिकन क्यूब तो मिले नहीं, फिर मुझे पुलाव क्यूब मिले तो फिर मैंने यही ले लिए, मैं ये डालती होती हूँ अक्सर। तो देख सकते हैं फिर यार मैं जैसे ही फिर चीज़ें लेने के बाद मैं बाहर निकली, बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी, वेदर बहुत ख़राब है। फिर मैं जल्दी से घर आ गई, घर आके मैंने अच्छे से चिकन वॉश वगैरह करके उसके पैकेट्स बना के फ्रोज़न कर दिए। फिर आप देख सकते हैं आज मैंने बनाया था पालक चिकन। पालक चिकन की रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी जल्दी, अगर आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही मज़े के बने थे। उसके बाद यार मैंने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद अपना और अपने हस्बैंड की रोटी बनाई। यार पीछे फिर मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा बेटी ने खिला डाला था, उसको समेट के शॉवर दिला के फिर मैंने उसको जल्दी से डिनर कराया। डिनर कराने के बाद उसको सुला दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।